तमाशा, विच आई लाइक द नेम ऑफ द प्लेस इज वेल, सो इट बिकेम द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर अस टू लॉन्च अ सॉन्ग विच इज बेसिकली अ न्यू डिस्को क्लब काइंड ऑफ अ सॉन्ग. सो इट वॉज अप्रोप्रिएट दैट वी लॉन्च इट एट अ क्लब एंड वी आर वेरी हैप्पी टू लॉन्च इट एट तमाशा. Song comes when Harry and Sejal, we start celebrating in pubs and karaoke bars and nightclubs on our own, very few people around, so it's like a party of a couple. So our team thought if we go to pubs and if we go to nightclubs and even areas where people lounge, it will be nice, and it's like a club song, I think, you know. Yeah, it's like a club song, Beach Beach Mein. So like Shahrukh said, it's a song where these two characters, Harry and Sejal, are bonding with each other. And it's really fun क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं जहाँ जहाँ पर ये लोग यू नो साथ हैं, लेकिन दे सो हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी, इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि दे मेकिंग द मोस्ट ऑफ वेयरएवर दे आर. सो देयर इन अ प्लेस वेयर द पार्टी इज ऑलमोस्ट एंडिंग, लाइक इन अ बार इट्स ऑलमोस्ट नोबडी इज देयर एंड ही स्टार्ट सिंगिंग यू नो एट अ कैरियोके बार एंड देन बोथ ऑफ देम जस्ट स्टार्ट जैमिंग देयर एंड दे हैविंग अ ग्रेट टाइम. So it just kind of shows how good they are together. Like when they're together they have so much fun that they don't need anything. और actually जो गाना है ना वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी रिलेशनशिप ऐसा होता है जो फाइनल नहीं होता, हमको खुद नहीं मालूम होता कि क्या रिलेशनशिप है, वो बीच बीच में होता है, ना यहाँ का होता है ना वहाँ का होता है. सो द होल सॉन्ग इज लाइक दैट, सो आई थिंक पीपल विल लाइक इट. क्लब्स वगैरह में गया नहीं हुआ यार, जब मैं दिल्ली में था तो इतना एंट्री नहीं मिल, पैसे ही नहीं थे इतने करने को, और फिर यहाँ पे आके मैं स्टार बन गया तो गया ही नहीं ज़्यादा. जितनी भी मैंने क्लब हॉपिंग की है मुझे इम्तियाज ने कराई यूरोप में. एक्चुअली ही इज द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा करते हैं हम तीनों के बीच में, क्लब्स में लेके जाता है. मेरी क्लब में बहुत ज़्यादा सक्सेस है और मैंने चाहा था कि मेरे एक्टर्स को भी वो सक्सेस मिल जाए थोड़ी बहुत, जो कि शायद मिली है. और ये आइडिया नहीं का है कि क्लब हॉपिंग करें. जैसे लोगों ने वोट किया है वैसे ही लोग फिल्म देखने आ जाएं, उससे ज़्यादा आ जाएं देखने के लिए, वही हमें बहुत खुशी, बहुत खुशी की बात है कि लोगों में एक पॉजिटिव रिएक्शन है हमारे प्रोमोस का. हमने ट्रेलर स्टार्टिंग में लॉन्च नहीं किया था, हमने मिनी ट्रेलर्स लॉन्च किए छोटे छोटे, आज पांचवा मिनी ट्रेलर कल के दिन में आउट हुआ था, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है. छोटे पैकेट्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं जिससे फिल्म का एक अच्छा सही अंदाज़ा मिल रहा है लोगों को. मेरे ख्याल से अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा. आई थिंक एक्चुअली ये आइडिया जो था कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे ट्रेल्स यू नो फिल्म के, जिसमें आप कैरेक्टर के बीच में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको ज़्यादा जान पाए, आई थिंक ये बहुत सही आइडिया था. बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट आई रिमेंबर आई वांस आई आस्क्ड हिम ऑल्सो दैट हाउ वुड यू एवर कट अ ट्रेलर फॉर अ फिल्म लाइक दिस, बिकॉज देयर यू नो देयर सो मच दैट्स देयर इन दिस मूवी दैट मे बी यू कांट सी इट ऑल इन दैट मच टाइम यू नो. एंड
You can say a lot in these 5-6. How many? How many are we doing? We've done 5 so far. 5. And you can, you still have so much more to discover when you watch the film. So I think it was a good idea, and I'm very happy that people are really responding to it very well and enjoying the two characters. The good part about marketing now is that you get a feedback. आप से मिलता है, लोगों से मिलता है, social media में मिलता है. अभी मैं दिल्ली में था तो दोस्त लोग मेरे उनसे मिलता है. So you can change your marketing or messaging according to the feedback you get. तो हम लोग ऐसा ही करते हैं जो हमारी पूरी टीम है. Obviously headed by Imtiaz and his team of people who know the film best, कि हम हर हफ्ते के बाद साथ में बैठते हैं और वो 4-5 घंटे में डिसाइड करते हैं कि अगले दिन अब क्या करें. सो ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला, और बहुत ज़रूरी था कि हैरी और सेजल को लोग पहचान जाए.